दोस्तों सभी को नमस्कार। मेरा नाम जगमनदीप सिंह है। मैं कनाडा एबस्फोर्ड में रहता हूँ। 2-3 दिन से एक वीडियो मेरा वायरल हो रहा है फेसबुक पे। 4-5 दिन हो गए आई थिंक, मुझे किसी ने बताया तो मैंने देखा। वो वीडियो जो है वो केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के बेटे देवेंद्र तोमर जी का है। अब उसमें जो दूसरी आवाज है वो मेरी है। और ये वीडियो कैसे बना है उसमें मैं ना जाऊं, वो मेरे घर पे फार्म वाला घर है और घर का एड्रेस भी मैं बता देता हूँ, 35826 साउथ पैरेलल रोड, वहां पे बना हुआ है। मैं उसका उसकी रूम की भी वीडियोग्राफी करके डाल दूंगा। उसमें जो बात है वो सही है। वो एक खनन वाली कंपनी से पैसे का लेन देन हुआ है। वो क्या था कि वो मेरी इनसे दोस्ती थी, प्रबल सिंह तोमर जी से, और दोस्ती हुई तकरीबन 2018 में। तो 19 में इनको मैं मिलने के लिए गया, 2020 मार्च में मैं इनको मिलने के लिए गया। जब लॉकडाउन हुआ 13 मार्च को, तो मैं इंडिया में था और मैं नंबर 3 कृष्णा मेनन मार्ग पे था। और मैं जो हूँ, मैं ब्लूबेरी की और भांग की, गांजा की खेती करता हूँ। तो इनको भी कनाडा में गांजा की भांग की खेती के प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करनी थी, लेकिन वो बोले जी हमारे पास अभी तो अपना पैसा नहीं, कहीं से बनेगा तो हम जरूर लगाएंगे। आगे जब बात हुई, फ्रेंड बने, तो जो त्यागी जी का उसमें जिक्र है, जो मोनेडो का, कोहली साहब का जिक्र है, मेरे उनके सभी के मेरे पास प्रूफ है। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो एक कनाडा का कोड एक है, 7782088600 है। किसी भी मीडिया अदारे को उसके लिए प्रूफ चाहिए हो, किसी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को प्रूफ चाहिए हो, तो वो मुझसे संपर्क कर सकता है। मैं भी हैरान था वो वीडियो देख के, भाई ये वीडियो कहाँ से गया। वो वीडियो एक्चुअली मैं नाम नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी, मेरा जो पिछोकड़ है, पास्ट है, मेरे दादाजी बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर, 23 साल उन्होंने इस देश के लिए दिए। अकाली, पेप्सू अकाली दल की नींव रखी, पंजाबी सूबा के लिए लड़े, लेकिन मेरे पेरेंट्स इसमें नहीं गए पॉलिटिक्स में, तो मैं भी नहीं किया, तो कनाडा शिफ्ट हो गया। ये प्रबल सिंह तोमर जी की आईडी है व्हाट्सएप की, उनके साथ मेरी चैट है, आप ध्यान से देख सकते हो इसको। और इसमें जो पैसा गूंजता था वो मनजिंदर सिंह सरसा जी, उस टाइम गुरुद्वारा कमेटी के प्रेसिडेंट थे, उनको कैश दे दिया जाता था। और गुरुद्वारे के पैसे पक्का कैश का कोई बैंक में रिकॉर्ड नहीं होता, तो वो जमा हो जाता था। वो वायर जो होती थी, वो वायर ऐसी होती थी आईसीआईसी बैंक से, अगर वो दिखाई दे रही है तो, या फिर ऐसा होता था, ये वाला डॉक्यूमेंट देख सकते हैं अगर आप, आपको नजर आ रहा हो तो। मनजिंदर सिंह सरसा जी कैश लेकर के, जो वायर होती थी, वायर के जरिए ये पैसा उनको घुमा के मंत्री जी के बेटे को दे दिया जाता था। ये आईसीआईसी बैंक की सारी वायर डिटेल्स है। और ये कोई 500 करोड़ का मामला नहीं है, ये टोटल 10,000 करोड़ है। इसमें खनन जितनी, ये पत्थर की जो होती है खान, उनकी होती है। ये देखिए, ये मनेडो का है, जो मनेडो का जिक्र चल रहा है कोहली साहब का, ये मनेडो का टेक्स्ट है। और इसमें मैं आपको, अच्छा, ये 100 एकड़ जमीन, ये उनकी जो देवेंद्र सिंह तोमर की वाइफ है हर्षिनी, उनके उनके साथ चैट है मेरी। ये 100 एकड़ जमीन तकरीबन न्यू बंसविक कनाडा में इसी पैसे से खरीदी गई, लेकिन ये बेनामी कंपनियों के द्वारा जो है, बेनामी कंपनी के ऊपर खरीदी गई। दूसरा, उसमें एक पार्सल का भी जिक्र है। मैं वो पार्सल की भी, अच्छा, वो पार्सल किस चीज का है, वो मेकअप के सामान और भांग का, गांजा का,
पार्सल है, और वो पार्सल की डिटेल भी मैं इसमें आपको दे देता हूँ। और जो वीडियो मैं अपना फेसबुक पे लोड कर रहा हूँ, ये है वो पार्सल, ये देख लीजिए आप, ये वो पार्सल की रजिस्ट्रेशन है। और इसको मैं थोड़ा जूम करके अगर दिखा दूं सभी को, तो ये जूम किया हुआ वो पार्सल की डिटेल है। तो इसमें अब आगे अगर कोई पूछे भाई त्यागी जी कौन थे, है ना, वो मेरे दोस्त थे एक्चुअली, लेकिन वो लोग जो है वो पार्टी लेके आते थे कि भाई इसको ये जरूरत है, तो ये अपना 100 करोड़ कमीशन लेते थे, कोई भी 500 करोड़ का पेस्टिसाइड का या बीज का कोई भी ठेका है। तो गुरुजी जो कहना, वो मेरा एक तकिया कलाम है, गुरुजी कहना जी कि ये एड्रेस दिया उन्होंने कि पार्सल इस एड्रेस पे भेज दीजिए, ठीक है जी। अगर ये थोड़ा कैमरा धुंधला है तो कोई भी मीडिया हस्ती जो मुझे से कांटेक्ट करेगी, मैं ये वीडियो के जितने भी प्रूफ है उनको सौंप कल दी एक वीडियो कांग्रेस के ट्विटर हैंडलों पर भी और आम आदमी पार्टी के मंत्री भी शेयर कर रहे हैं, जिस अंदर बड़े हासोहीणी गल की जा रही है। एक आदमी पहला वीडियो बना है और फिर वो मेरा नाम लैके कहता है कि असी नरेंद्र सिंह तोमर को पैसे देंदे स 500 करोड़, फिर कहता 1000 करोड़ नहीं मामला है, कहता 10,000 करोड़ का मामला है। और एक कांग्रेस के लोग और उन्होंने ट्वीट कर रहे हैं, शर्म आनी चाहिए तुहानू, गुरु घरां नू बदनाम करते जे, गुरुद्वारा कमेटियां नू बदनाम करते जे, तुहाडी लड़ाई मेरे नाल लड़ो, मैं सामने खड़के रोज़ लड़दा तुहाडे खिलाफ़। और जिहड़ा ये बंदा बोलता पिया है नरेंद्र सिंह तोमर, जिहड़े कि मंत्री नू नाम ले रहा मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश इलैक्शन हो रही आ, कमलनाथ के खिलाफ मैं लगातार लड़ाई लड़ रहा, मैं कल्ला आदमी हाँ जिसने वो खिलाफ़ 1984 के केस बंद पे केस खुलवाए और अज वो केस उसके चलते पे ने, तकलीफ होनी जायज़ आ। पर मैनू हैरानगी इस गल दी जिहड़े लोग ट्वीट कर रहे हैं, गुरुद्वारा कमेटी की पूरे साल की आमदन जिहड़ी 90 करोड़ रुपया, तुहाडी जानकारी वास्ते 90 करोड़ रुपया। और तुहानू मैं ये भी दसदा कि गुरुद्वारा कमेटी हुण तक ता जिंदगी 16 करोड़ रुपया विदेशों तो आया टोटल हुण तक ता जिंदगी। और वो FCRA का अकाउंट हुंदा है जिहड़ा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया च हुंदा है, किसी प्राइवेट च नहीं बैंक अकाउंट हो सकता। और मैं फिर भी सब वास्ते खुला सद्दा दिंदा, कल भी मैं कहा सी, मैं जथेदार साहब नूं बेनती की ट्वीट दे राही, मैं हुण फिर बेनती करदा जथेदार साहब, इन्हां चीज़ों का आप जी नूं संज्ञान लेना चाहिए। ये लोग केवल और केवल जिहड़े तुहाडी कौम की लड़ाई लड़ते पे ने, जिहड़े 84 दी लड़ाइयां लड़न लगे मेरे वर्गे कई होर होणगे, उहनां नूं केवल इस करके बदनाम किया जाए क्योंकि वह लड़ाई लड़ते पे ने। और ये लोग आम आदमी या कांग्रेस उरे ट्वीट करके वीडियो पावे, मैं आप जी नूं बेनती करदा आप जी नूं ये खाते मंगाने चाहिए आ। और 2 दिन के अगे अगे संगत नूं भी आप जी नूं मंगा के जानकारी देनी चाहिए कि लोग जिहड़े पाप करते पे, गुरु घरां नूं बदनाम करते पे आ, ताकि उन्होंने जवाब दिता जा सके। और मैं फिर संगत नूं ये विश्वास नाल कहना चाहुंदा, ये जिहड़े लोग बेईमानियां ठगियां मारदे ने, उहदा परपस केवल एक आ कि मैनूं बदनाम किया जाए, मैनूं रोकया जा सके, पर मैं रुकण वाला नहीं। ये जिन्ना मर्जी जोर ला लैण, मैं इन्हां ते रुकिया रुकदा नहीं, पर मैं संगत नूं विश्वास दिवाउणा है अकाउंट्स खुले ने, जिहदा जी करदा ना 100 रुपया अंदर आ सकता है ना 100 रुपया बाहर जा सकता है। पर फिर भी संगत नूं भी जरूर यह चैक करना चाहिए है कि जिहड़े ऐसे घटिया लोग इहो जी बयानबाजी दिंदे ने, ताकि तुसीं उहदा खुद मूँह तोड़ जवाब दे सको। आप सारयां दा बहुत बहुत धन्यवाद। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।